तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक 90 चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शाओमी यूएसए के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में ही देखते हैं, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, शाओमी कॉरपोरेशन को अमेरिका के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और उन्होंने इस चीज़ का कारण बताया है कि जो चाइनीज़ मिलिट्री है उसके साथ लिंक है शाओमी कॉरपोरेशन का। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने इसे ब्लैक लिस्ट किया गया है। और ब्लैक लिस्ट करने के बाद अमेरिकन इन्वेस्टर्स से कहा है कि जो शाओमी कॉरपोरेशन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसे वापस ले लें नवंबर 2021 से पहले पहले। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो आपको याद हो तो हुआई को बैन किया गया था अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से जो गूगल के प्रोडक्ट्स थे हमें हुआई के मोबाइल फ़ोन्स में नहीं मिलते थे। और इस वजह से जो हुआई की मार्केट थी वो सारी डाउन हो गई थी ओवरऑल वर्ल्ड में। अमेरिका में जब ऐसा हुआ तो शाओमी कॉरपोरेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लग गई, क्योंकि उसमें सारे आते थे। और इतनी तेज़ी से ग्रोथ करी कि एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया था अमेरिकन मार्केट में, अमेरिकन कंपनी को पीछे छोड़ दिया एप्पल को अमेरिकन मार्केट में ही। तो आप ये सोच सकते हैं शाओमी ने कितनी तेज़ी से ग्रोथ की थी। अगर आप सोचते हैं कि मतलब शाओमी के साथ ऐसा किया गया है, शाओमी के साथ ऐसा नहीं किया गया है। मैं बता दूँ आपको, शाओमी को खाली ब्लैक लिस्ट किया गया है, ना कि बैन किया गया है। हुआई को बैन किया गया था और शाओमी को ब्लैक लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत डिफरेंस है। बैन किया था हुआई को, तब उसमें से मतलब कोई भी अमेरिकन कंपनी उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी टेक्नोलॉजीज के मामले में, तो ऐसा किया गया था बैन पर, ठीक है। और यहाँ पे शाओमी कॉरपोरेशन को ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो बस उन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर से उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना किया गया है, और जो उसमें पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसे वापस लेने का बोला है। तो बस ब्लैक लिस्ट में इतना ही करा है इन्होंने बस, ठीक है। हमें गूगल्स के प्रोडक्ट्स पहले की तरह ही इसमें जैसे मिलते थे वैसे ही मिलेंगे, और वैसे ही हम सब यूज़ करेंगे शाओमी के मोबाइल फ़ोन्स को, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोई प्रूफ नहीं दिया इस चीज़ का, ठीक है, कि मतलब ब्लैक लिस्ट चाइनीज मिलिट्री से जो लिंक गया है उस चीज़ का उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है अभी। तो बाकी ऐसा ही बताया गया है कि जो चाइनीज़ कंपनी है उसके चाइनीज़ का मिलिट्री है उसके साथ इन्होंने लिंक कर रखा है, ठीक है। कोई भी इनका लिंक हो सकता है चाइनीज़ मिलिट्री के साथ, तो इन्होंने बस इसमें इतना ही बताया। और आपको डिफरेंस पता चल गया होगा हुआई बैन और शाओमी ब्लैक लिस्ट का, ठीक है, बीच में, इन दोनों के बीच में। तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है, बाकी आगे पता नहीं है, ये अमेरिका की गवर्नमेंट है वो पता नहीं क्या करे। बाकी अभी तो फ़िलहाल ब्लैक लिस्ट किया गया है शाओमी को, ठीक है। तो हम वैसे पहले की तरह ही जैसे चलाते थे अपने गूगल्स के प्रोडक्ट शाओमी के मोबाइल में, वैसे ही हमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बस खाली इन्वेस्टमेंट को मना किया गया है इन्वेस्टर को, अमेरिकन इन्वेस्टर को। तो मेरे को इस वीडियो में आपको इस शाओमी के ब्लैक लिस्ट के बारे में ही बताना था। तो फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। तब तक के लिए बाय, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।